चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है प्रश्नावली और अनुसूची मीन्स की क्वेश्चन है एंड शेड्यूल। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्नावली होती क्या है। तो जैसे कि बोगार्ट्स ने बोला कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और या फिर बहुत दूरस्थ है, हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, हम वहाँ पे जाके खुद से प्रश्न फिल नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रश्नों की एक सूची बना ली, क्वेश्चन का बना लिया एक पूरा एंड देन फिर उसको हमने सेंड कर दिया और फिर जो वो आंसर जो जिनको देना है, जो उत्तरदाता है, वो खुद से ही वो सारे आंसर फिल करके हमें भेज देंगे। तो इससे हमें डेटा कलेक्ट करने में बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से कम व्यय के साथ में ही हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रश्नावली के टाइप्स, तो अगर हम बात करें टाइप्स की तो मेनली जो प्रश्नावली होती है ये 7 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है फैक्ट संबंधी, मीन्स की तथ्य संबंधी। जब हमें जैसे किसी की आय, आयु, धर्म, जाति, मीन्स की फैक्ट कलेक्ट करने होते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। मत और मनोवृत्ति संबंधी, मीन्स की जब हमें किसी के ओपिनियन जानने होते हैं कि आपका क्या राय है इस बारे में, आतंकवाद को कैसे खत्म करें, इस तरीके की, तो आप करते हो इस तरीके का प्रयोग। संरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली जिसमें कि निश्चित, ठोस और पूर्व निर्धारित प्रश्न पहले से ही होते हैं अकॉर्डिंग टू पीवी यंग। असंरचित प्रश्नावली, इसमें पीवी यंग ने बोला कि वो प्रश्नावली जो साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में काम करती है, मींस कि इंटरव्यू गाइड की तरह, उसको हम बोलते हैं असंरचित प्रश्नावली। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी कि क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, जिसमें कि जैसे पहले से बोल दिया गया कि आप विवाहित हो या नहीं हो, आप किस कास्ट के हो, तो आप हाँ या ना में ही जवाब दोगे, मतलब कि आपके पास बस 3 या 4 ऑप्शन होंगे एंड फिर आप उसी में से आंसर देना होगा। खुली, असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्नावली यानी कि ओपन क्वेश्चनेयर, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, हम अपने ओपिनियन उसमें डाल सकते हैं। सपोज आपसे पूछ लिया गया कि छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप अपने ओपिनियन दे सकते हो, तो ये खुली हो गई। चित्रमय प्रश्नावली, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत ही अनपढ़ टाइप के लोग हैं, उनको नहीं समझ आ रही है चीज़ें, तो वहाँ पे इस तरीके का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पे चित्र बना करके उनको समझाने की कोशिश की जाती है। एंड जो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लोग मिक्स्ड क्वेश्चनेयर का भी यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है कि सहभागी पत्र, तो प्रश्नावली के साथ में हम एक पत्र भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं, जिसमें कि हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस लिए अनुसंधान कर रहे हैं, एंड प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको फिल करके हमें सेंड कर दीजिए। अनुगामी पत्र क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चनेयर है वो टाइम पे फिल करके नहीं आ पाती, मीन्स कि कुछ उत्तरदाता होते हैं, उनके कुछ पर्सनल रीज़न होंगे जिसकी वजह से वो फिल करके नहीं भेज पाते हैं, तो हम 15 दिनों के बाद फिर से उनको याद दिलाने के लिए अनुगामी पत्र भेजते हैं। अब समझते हैं कि अनुसूची क्या है यानी कि शेड्यूल क्या है। तो गुडे और हॉट ने बोला जैसे कि प्रश्नों का एक ऐसा समूह जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने पूछा और भरा जाए, मीन्स कि जब हम खुद से जाते हैं, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है वैसे ही सामने बिठा करके जिससे पूछना होता है उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले से क्वेश्चन बना रखे होते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बेस पे पूछते हैं, तो इसको कहते हैं अनुसूची, जैसे कि एक इंटरव्यू होता है सेम लाइक दैट। अनुसूची के प्रकार अगर देखें तो एक होता है आपका अवलोकन अनुसूची, इसमें क्या होता है कि एक तरीके का जो अनुसंधान करता है वो खुद से ऑब्जर्व करता है और फिर क्वेश्चंस को फिल करता है कि आप क्या कर रहे हो, हम खुद से देखेंगे, आपसे पूछेंगे कुछ नहीं और फिर हम उनके प्रश्नों को भरेंगे। मूल्यांकन अनुसूची, जब किसी को हमें रेट करना होता है, उसकी रुचि, राय, विश्वास, इन सारी चीज़ों को जानना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। प्रलेख अनुसूची, इसका यूज़ हम क्या करते हैं जब हमें किसी सामग्री का, मीन्स की लिखित जो सामग्री है, रिटर्न जो भी चीज़ें हैं उनका करना होता है, तो हम प्रलेख अनुसूची यानी डॉक्यूमेंट शेड्यूल का यूज़ करते हैं। संस्था सर्वेक्षण जो अनुसूची होती है, इसमें हम किसी भी इंस्टीट्यूशन का सर्वे करते हैं वहाँ पे जाकर के, फिर देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर हमारा आता है साक्षात्कार अनुसूची, जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीन्स कि इंटरव्यू शेड्यूल ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है। अनुसूची के थ्रू क्या होता है कि हम खुद से गए, खुद से हमने देखा, अवलोकन किया
और जो उत्तरदाता है तो उसको हम एक तरीके का मॉरली सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप आंसर दो, सामने से हम उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप आंसर दो। लेकिन इसकी अगर हानियां देखी जाएं तो कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो उत्तरदाता नहीं देना चाहता है हमारे सामने, कुछ गुप्त टाइप का होता है तो उसको वो नहीं बता सकता है किसी के सामने, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं बता सकता है। प्रश्नावली में क्या है कि वो उसे लगता है कि कोई सामने देख तो रहा नहीं है, चलो फिल कर देते हैं, तो वो फिल कर देता है वो आंसर्स। बट अनुसूची में कभी जब सामने से बैठ के पूछा जाए तो शायद उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट कभी कभी महसूस हो सकती है, हो सकता है कि वो गलत आंसर दे दे जो साक्षात्कार करता है उसके प्रभाव में आकर के। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।